सुधांशु जी थोड़ा ना बैठ के यहाँ पर आरती उतारेंगे, आप लोगों की प्रशंसा करेंगे। आप लोग तो सत्ता में है, गिनाए ना उन्होंने अनेकों बयान जो आपके नेताओं ने दिए हैं। हाँ देखिए अंजना जी, इन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, परंतु मैं ये आरोप नहीं ले सकता कि जवाब ना दें, इसलिए पहले मैं टॉपिक के जवाब दे देता हूँ फिर इनकी बात का जवाब दे। हाँ। यही सवाल है ना कि जेपीसी क्यों नहीं गठित हो रही है? अब फिर आप वही कहेंगे कि आज तक जेपीसी की मांग करने पर जेपीसी गठित नहीं की गई। नहीं नहीं ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भारत की संसद की होगी, तो भारत की संसद और भारत के अधिकार क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को वो बुला सकती है जांच के लिए, पर भारत के व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में LIC, SBI और SEBI पर आपको भरोसा नहीं है। उन्होंने अपना अपना वक्तव्य दे दिया है, उनके अनुसार ये कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। तो एक ही संस्था है हिंडनबर्ग, जो कि खुद खैर आरोप में चल रही है, केवल उसी के दावों पर तो आधार है ना। अब आप बताइए, भारत की संसद की संयुक्त संसदीय समिति भारत के संविधान या कानून के किस अधिकार के तहत एक विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही, जो भारत में काम कर रही है उसको बुला सकती है? जो भारत में काम न कर रही हो उसको भारत में अपना बयान देने के लिए बाध्य कर सकती हो? ये मुझे बता दे तो मैं इस बात के ऊपर विचार करने को तैयार हूं और अपने बड़े नेताओं को बताऊंगा कि साहब इन्होंने देखिए भारत के लॉ का ये क्लॉज बताया। ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है तो एक जो चीज पार्टी जिसकी रिपोर्ट पर सब कुछ हुआ उसके लिए हल्ला मचाना, क्या हिंडनबर्ग को आप बुला के वो पार्लियामेंट्री कमेटी पूछ सकती है सवाल? अंजना जी बहुत ही अच्छा और प्रासंगिक सवाल पूछा मेरे विद्वान साथी ने। मैं तो मुझको लग रहा था कि कहीं ये ना कह दे चाइना की तरह कि ना वहां कोई शेल कंपनी बनी है ना किसी शेल कंपनी ने निवेश किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़िएगा आप राफेल के मामले में, उसने कहा है जेपीसी के महत्व और उनके खुद के संदर्भित विषय पर कि हमारे हाथ बंधे हुए, हमारा दायरा सीमित है। जेपीसी जो है वो समन कर सकती लोगों को और समन करके इंटरोगेट भी कर सकती है। जरूरत नहीं हमको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ऑफशोर कंपनी के लोगों को बुलाने की। आप बुलाइए अडानी जी को, क्या हुआ है उस आपदा में अवसर का ढूंढने की बात बता रहा हूं मैं। अडानी ग्रीन एनर्जी 6823% की वृद्धि हुई, अडानी इंटरप्राइजेस 2501% की वृद्धि हुई, अडानी ट्रांसमिशन 1288% की वृद्धि हुई, अडानी टोटल गैस 897% की वृद्धि हुई, अडानी पावर 824% की। एक के बाद एक कंपनी इतना बड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन से अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तो सेबी का दायित्व है, उनका सर्विलांस डिवीजन है, डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट करता है। पूछेगी जेपीसी बुलाकर सेबी को कि क्या डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट की, क्या आपको कोई सबूत मिले स्टॉक मैनिपुलेशन के? आपको अगर ऑफशोर कंपनियां निवेश कर रही है, इतना बड़ा राउंड ट्रिपिंग कर रही है, शेयर रिगिंग कर रही है, इसी के लिए तो संस्थाएं बनी है साहब, फिर किस लिए बनी है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बुलाकर वो इंटरोगेट करेगी कि आपने क्या किया, RBI को बुलाकर पूछेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के उसमें बयान होंगे। अरे जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाने का अधिकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और यही तो पवन खेड़ा जी ने कहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बना सकते हैं, नरसिंह राव जी बना सकते हैं, तो उसी तरीके का मामला है। प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और देश को विश्वास में लेना चाहिए। मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा कि हमारे भी प्रधानमंत्री जी, हमारा भी इख्तियार है, हम भी चाहते हैं कि अगर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इसमें क्या बुरा है? जेपीसी की जांच अगर नहीं कराते तो सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में करा ले। हमको भरोसा नहीं है कि इन संस्थाओं ने कोई जांच की होगी, जांच की हो तो रिपोर्ट रख दीजिए, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर रोज आती है कि जांच कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको विश्वास देश की जनता का जीतना है और इतना बड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है और एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही, आप विश्व की संस्थाओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं है सुधांशु जी, आप बुलाइए अडानी जी को। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि विनोद अडानी का हमारी कंपनी से कोई सरोकार नहीं, कौन निवेश करता है कौन नहीं करता है, वो भारतीय नागरिक है जो विदेश में। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, सुधांशु जी कंपनी को बुलाइए, सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए मैं अभय दुबे जी बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होने दूंगा, आप ही के वक्तव्य से निकालता हूं। आपने कहा इतने गंभीर आरोप लगे हैं, यही तो मैंने कहा, आरोप किसने लगाए हैं? भारत की किसी संस्था ने लगाए हैं? भारत की किसी जांच एजेंसी ने लगाए हैं? विदेश नहीं तो लगाए। और आप क्या बात कह रहे हैं मान्यवर कि अगर कोई कोर्ट में भी मुकदमा होता है या पुलिस में भी शिकायत होती है तो जिसने आरोप लगाया सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि यह आरोप किस आधार के ऊपर है? आप कह रहे नहीं, नहीं, आरोप लगाने वाले को तो मत पूछो, और जो कह रहा है कि आरोप की जांच नहीं, उसने जांच नहीं की होगी ये मान लो, मगर कर दो। जानते क्या है,
कि एक छात्र एग्जामिनेशन में अपियर हुआ, कॉपी जांचने वाले ने कहा कि हमें कोई गलती नहीं मिली, फिर स्क्रूटनी करने वाले ने कहा कि गलती नहीं मिली, मगर एक दूसरे छात्र ने जो दूसरे स्कूल में नकल के आरोप में पकड़ा जा चुका है, क्योंकि हिंडनबर्ग पर खुद केस चल रहा है अमेरिका में, उस नकलची छात्र के आधार के ऊपर उस आरोप को सत्य मानते हुए उस एग्जामिनर और स्क्रूटनी वाले सबके ऊपर जांच कर दो, अद्भुत तर्क है ना आपका, आपने स्वयं बोला इतने गंभीर आरोप, आरोप कहां किसने लगाए, यही तो मैं कह रहा हूं कि आरोप बताइए। और आपने कहा साहब संपत्ति बढ़ गई इसलिए इसको मान लिया जाए कि यह घोटाला है, तो देखिए मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, पर अगर ऐसे कहें तो आपके प्रथम परिवार की संपत्ति पिछले 3 पीढ़ियों से न किसी ने व्यवसाय किया है न किसी ने नौकरी की है जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से, और कुछ समय के लिए केवल पायलट की नौकरी की थी राजीव गांधी जी ने, फिर ये सैकड़ों करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिस कैसे आ रहे हैं, फिर आप कहेंगे साहब इसके ऊपर भी जांच हो जानी चाहिए कि अपने आप कैसे हो रहे हैं। यह तर्क पूरी तरीके से बाल बुद्धि जैसे लगते हैं और शायद इसीलिए वह शब्द असंसदीय घोषित कर दिया गया है। मैं पुनः कह रहा हूं जिसने आरोप लगाया जिसको आप अब्रह्म वाक्य मान रहे हैं उसे बताइए तो कि किस क्लॉज के तहत हम बुलाकर उसका स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, फिर वो हम अपनी एजेंसी को दे कि साहब आप इस पे जांच करिए, हमने आपकी फाइंडिंग के तहत हिंडनबर्ग को बुलाइए। ठीक है, जवाब सुनिए सर। अंजना जी बड़े विचित्र बात आपको नहीं लगती, कह देना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आकर, कह दे कॉर्पोरेट अफेयर्स आकर, कह दे सेबी आकर, कह दे एसएफआईओ आकर कि नहीं साहब इन कंपनियों ने निवेश ही नहीं किया अडानी जी की कंपनी में, कह तो दे आकर। अगर ये कह रहे हैं कि हिडनबर्ग पर खुद पर आरोप है दरकिनार करिए भाई उसको, 38 कंपनियों के नाम है, कुछ कंपनियों के नाम मैंने गिनाए कितने कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ, एक कर्मचारी नहीं उस कंपनी में, उस कंपनी पर कोई मिलता भी नहीं है, तो आप ये कह दीजिए आकर देश के सामने कि नहीं ये जो 38 शेल कंपनियां हैं ये झूठी बात है, इनका कोई भी निवेश इस कंपनी में नहीं हुआ, इतना तो कहिए कम से कम। अगर नहीं कह सकते ये साहस नहीं है, अडानी जी कहते चलिए देश के सामने आकर कि नहीं इन कंपनियों का निवेश नहीं हुआ है, उन्होंने तो कह दिया अपने रिप्लाई फाइल जो किया 400 पन्नों का कि विनोद अडानी का इन कंपनियों से सरोकार नहीं, उनके बड़े भाई हैं, आप कहिए कि ये 38 शेल कंपनियों ने निवेश नहीं किया है, आज देश के सामने कहिए, हम मान स्वीकार कर लेंगे अगर प्रामाणिक रूप से आप उस बात को कहेंगे, और नहीं कहते हैं तो जेपीसी की जांच आपको करानी पड़ेगी। जितने हम पर आरोप है सत्ता आपकी है, 8 साल से आप सरकार चला रहे हैं, अब प्रामाणिकता से कार्रवाई कीजिए ना, मत छोड़िए, लेकिन सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के लोगों पर कार्रवाई करेंगे, पहले कहेंगे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर धोकर साफ कर लेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ 21 जुलाई 2015 को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लुईस बर्जर कि अमेरिका के एक डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर एक बुकलेट निकाली बाकायदा, अगले महीने में उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली, सीबीआई की जांच भी हाई कोर्ट के माध्यम से चल रही है, लेकिन वर्षों हो गए उस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी पर आपने शारदा स्कैम में होने का आरोप लगाया, वो आपके साथ आ जाए तो पाक साफ हो जाते हैं। आदर्श घोटाले का आप आरोप लगाते हैं नारायण राणे जी पर, मगर वो आपके दल में शामिल हो जाते हैं तो सबसे आदर्श व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं।